हेलो गाइस, माय नेम इज़ अनंत। वेलकम टू माय चैनल। और आज है 3rd of November, मीन्स फ्राइडे। एंड अभी के बजे हैं 5 o'clock, शाम के 5 बजे हैं। एंड जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, सो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हमारे न्यू DJI प्रोडक्ट्स के बारे में। और ये शूट मैं कर रहा हूँ हमारे नए अगेन DJI पॉकेट 3 से। आपने हमारा लास्ट वीडियो अगर देखा होगा तो हमने DJI पॉकेट 3 लिया था और आज हम शूट उसी से कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से इस नए प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं। तो ये ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट आ चुका है, जो कि UPS स्टोर से शिप हुआ था और हमने इसे बेस्ट बाई से लिया है। सो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं एंड अगर आपको दिखाएं, सो ये है वो DJI का मेन प्रोडक्ट। अगर आप सामने इसको देखो, सो ये है वो DJI का मेन प्रोडक्ट गाइस। सो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं एंड इसकी पॉलिथिन खोलते हैं। When you need an all-in-one camera drone with cutting-edge performance, but every gram of weight counts, that's the perfect time for Mini 4 Pro. So guys, अगर आपको याद हो, हमारे पास already DJI Mini 3 drone already था, जो कि मैंने अपने birthday पर लिया था। एंड बेसिकली उसके एक महीने बाद ही ये DJI Mini 4 Pro लॉन्च हुआ था। एंड तब से इस ये मेरी लेने की इच्छा भी थी। एंड लेकिन वो नया था तो हमने उसे सेल कर दिया एंड उसके बदले हमने फिर ये DJI Mini 4 Pro लिया। DJI Mini 3 हमने जब लिया था, इट वाज लाइक कॉस्को में डील चल रही थी तो हमें काफ़ी कम रेट पे मिला था वो। आई थिंक इट वाज अराउंड समवेयर $470 or $480। वो जो मिनी 3 था, जिसका फ्लाइमो कॉम्बो था, जिसमें मेमोरी कार्ड भी आता था। बट ये DJI Mini 4 Pro है। बेसिकली यहाँ पे आपको, आप देख सकते हैं, कॉन्सोल मिलता है एंड ड्रोन मिलता है। सो Mini 4 Pro लेने का एक सबसे बड़ा रीज़न है, ये लेटेस्ट है इन ड्रोन फ्रॉम DJI। और DJI आपको पता है कि अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, इज़ लाइक एप्पल। आप DJI को कम्प्लीटली ट्रस्ट कर सकते हो। सेकेंड चीज़ ये है DJI Mini 4 Pro में, इज़ लाइक इसके अंदर ऑब्स्टिकल सेंसिंग है, जो कि बहुत कमाल का फीचर है। अगर मैं आपको बताऊँ ऑब्स्टिकल सेंसिंग के बारे में, तो अगर आप लाइक जंगल में जा रहे हैं और आप अपना ड्रोन जंगल में पेड़ों के बीच से निकालना चाहते हैं, तो ऑब्स्टिकल सेंसिंग क्या करता है, अगर कोई भी पेड़ या कोई भी ऑब्जेक्ट उसके सामने आता है तो वो सेंस करता है एंड उसके सामने ना जाके वो साइड से निकलता है। तो ऑब्स्टिकल सेंसिंग बहुत एक कमाल का फीचर है जो कि इसके अंदर आता है। प्लस इसके अंदर ऑल वी फोकस ट्रैक फीचर है। अगर एक ऑब्जेक्ट को फोकस कर दिया जाए, या सपोज दैट मैं अपने अराउंड ड्रोन को घुमाना चाहता हूँ, तो अगर उसको मैं फोकस कर दूँ तो वो भी ये ड्रोन करता है। सो ये कमाल का फीचर इसके अंदर है। बट इसके अंदर ट्रू वर्टिकल शॉटिंग भी कर सकते हैं। इसके अंदर आप वे पॉइंट फ्लाइट को भी उड़ा सकते हो। इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये 4K 100 FPS HDR तक रिकॉर्ड करता है। सो ये एक कमाल का फीचर इसके अंदर है। एंड इसकी जो रेंज है बेसिकली वो है 20 किलोमीटर की, तो आप सोच सकते हैं इसकी रेंज कितनी ज़्यादा है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज ये है, अगर आप देखें तो लेस देन 249 ग्राम। सो जिसको भी मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आप देख सकते हैं DJI पॉकेट शॉट में, जैसे ही मैं प्रोडक्ट को फोकस कर रहा हूँ तो मुझे ब्लर प्रोडक्ट को कर रहा है। ये फीचर पॉकेट 3 के अंदर है, जो कि कमाल का फीचर है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, 249 ग्राम के नीचे है, तो जिसके कारण ये प्रोडक्ट को आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली अगर आपको पता होगा, तो अगर आप कोई भी ड्रोन 249 ग्राम के ऊपर, मोर देन 250 ग्राम के ऊपर अगर आप लेते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एविएशन में जाके, क्योंकि आप ऐसे ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। लेकिन 249 ग्राम के नीचे कोई भी ड्रोन आता है, तो जो फीचर्स नॉर्मली अदर्स ड्रोन में आते, लाइक DJI एयर में आते, Air 3S एंड ऑल, वो सारे फीचर Mini 4 Pro में इस पारी DJI ने दिए हैं विथिन 249, लेस देन 249 ग्राम। सो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं एंड देखते हैं इसके अंदर क्या है। सो ये वीडियो बेसिकली जो आने वाला है वो हमने DJI से लिए हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड द फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रोन। A mighty powerful camera using a new image processing platform that captures details in challenging lighting conditions.
slow-mo is now in crisp 4K. Step up your social media game with vertical shots that make use of every pixel. Cable video transmission we've ever had on. जो कि नया है एंड बेसिकली नॉर्मली यू कैन यू नो रिमूव दिस रैप एंड लेट्स ओपन द बॉक्स एंड सी कि इसके अंदर क्या क्या आता है. सो या इसके अगर आपको ऐप यू नो आपको डाउनलोड करना है तो इसके अंदर ये QR कोड से DJI Fly का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. एंड लेट्स ओपन दिस. आई थिंक इसके अंदर है कंट्रोल. अगर आप देखें तो इसके अंदर है कॉन्सोल. सो इसको भी ओपन करते हैं एंड आपको दिखाते हैं. इससे पहले आपको दिखाते हैं मेन चीज़, वो है ड्रोन. सो ये है वो ड्रोन गाइस जो आप सामने देख रहे हैं एंड बाकी और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं आता है. सो चलिए इसको ओपन करते हैं एंड आपको दिखाते हैं कि ये ड्रोन कैसा है. सो लेट्स ओपन दिस. नए ड्रोन की कुछ बात ही अलग होती है गाइस. ये बहुत ही कमाल का ड्रोन है और अगर देखो तो ये है वो ड्रोन. ऑलरेडी इसके साथ एक बेल्ट आता है जिसके थ्रू आप यू नो इसके जो चारों फ्लायर हैं, जो पंख हैं, उसको आप यू नो बांध सकते हो. सो ये है गाइस प्रोडक्ट, बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है. अगर आप सामने देखो सो ये काफ़ी हार्ड भी है एंड यू नो इसमें ऑलरेडी टाइप सी चार्जर आपको दिया दिखता है. प्लस मेमोरी कार्ड के लिए भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है. यहाँ पे SD कार्ड आप लगा सकते हैं एंड या केस काफ़ी अच्छा है. अगर आप इस प्रोडक्ट का देखो, ये पावर ऑन का बटन है एंड ये जो ऑब्स्टिकल सेंसिंग की बात कर रहा था वो सामने दिए हुए ऑलरेडी, जिसके थ्रू ये ड्रोन बाकी ड्रोन से काफ़ी अलग है. सो इसको ओपन करते हैं एंड देन आपको दिखाते हैं कि और क्या है. सो अगर बात करें इस केस की गाइस, चलिए इसको भी खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है. सो अगर आप देखें तो एक्स्ट्रा फ्लायर्स आते हैं इसके साथ, जो कि चार फ्लायर्स हैं ऑलरेडी दिए हुए हैं. सो चार फ्लायर्स के साथ एक्स्ट्रा आते हैं एंड अगर आप देखें तो ये है टाइप सी केबल जो कि इसी के साथ आता है एंड देन ये ऑलरेडी एक केबल और दिया है जो कि बेसिकली यू नो टाइप सी केबल है. आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं एंड नॉट श्योर इफ एप्पल का उसने लाइटनिंग केबल दिया है या नहीं. चलिए देखते हैं आगे. एंड ये है स्क्रू टाइट करने का जो कि आप स्क्रू बेस के थ्रू टाइट कर सकते हैं. एंड लेट्स ओपन द ये है वो यू नो कंसोल जिसके थ्रू आप ड्रोन को ऑपरेट करते हैं.
सो इसको भी ओपन करते हैं एंड देन इसके साथ आपको थोड़े से यूज़र मैनुअल भी आते हैं इसके साथ, तो जो कि अभी ऑलरेडी कोई काम का है नहीं, बट या ये ऐप डाउनलोड करने के लिए QR कोड एंड यूज़र मैनुअल छोटा सा दिया हुआ है। तो इसको अभी रखते हैं साइड पे एंड कंसोल पे फोकस करते हैं, इसको ओपन करते हैं। सो इसको अगर ओपन करने चाहें तो ये कुछ ऐसा दिखता है गाइस, अगर आप सामने देखो तो ये कुछ ऐसा दिखता है कंसोल, जो कि काफ़ी अच्छा है इसके, यू नो काफ़ी मजबूत है अगर आप सामने से देखो एंड पीछे से भी काफ़ी मजबूत है, काफ़ी ग्रिप है, आप इसको आराम से पकड़ सकते हैं एंड इसके नीचे बेसिकली दो स्क्रू दिए होते हैं जिसके थ्रू आप इसको कनेक्ट करते हैं। सो आइए इसको निकालते हैं एंड इसको इसमें कनेक्ट भी करते हैं। सो बहुत ईजी होता है कनेक्ट करना, बस आपको नीचे स्क्रू निकालना है एंड इसको आप यू नो राउंड राउंड घुमाएंगे तो अपने आप वो कनेक्ट हो जाता है। अगर आप देखो तो ये कनेक्ट हो गया। सिमिलरली आपको ये वाला भी अगर कनेक्ट करना है तो आपको बस नीचे से लाना है एंड ईजिली ये भी कनेक्ट हो जाता है। तो ये ड्रोन को यू नो नॉर्मली हम ऐसे ऑपरेट करते हैं, इट्स लाइक अ जॉयस्टिक्स। सो अगर आप इसको ओपन करें तो लेट्स सी कि एप्पल का उसने दिया है कि नहीं दिया है। नॉर्मली वो लोग देते हैं एंड वही हम पता करते हैं कि एप्पल ने इस बारी क्या किया है एंड क्या नहीं। तो लेट्स सी, लेट्स सॉरी डीजेआई ने एप्पल के इसमें प्रोडक्ट में दिया है कि नहीं, उसको ओपन करके भी देखते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था गाइस, ऑलरेडी एप्पल ने लाइटनिंग केबल इसमें अटैच किया हुआ है। सो आप अगर आपके पास आईफोन 14 तक का कोई भी फ़ोन है तो आप इसे अटैच कर सकते हैं एंड यहाँ पे बेसिकली आपको मोबाइल अटैच करना होता है एंड पीछे अगर आप देखें तो रिकॉर्डिंग और कैमरा फ़ोटो खींचने के लिए एक बटन ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आप सामने देखें सो ये यू नो ऑलरेडी एक रिटर्न टू यू नो होम जब भी हम करते हैं ड्रोन को तो उसके लिए भी ऑप्शंस दिया हुआ है, और अगर फ्लाई करना होता है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। पावर बटन दिया हुआ है, प्लस अगर आप देखो तो इसमें तीन मोड्स दिए हुए हैं, सो नॉर्मल स्पीड एंड स्पोर्ट्स स्पीड। सो या इसमें तीन मोड हैं जो कि काम करते हैं, तो ये है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मजबूत है। हम ऑलरेडी ड्रोन ड्राइव कर चुके हैं, अगर आपने हमारा यू नो अनबॉक्सिंग शॉर्ट्स है जो लास्ट टाइम हमने अनबॉक्सिंग वीडियो तो नहीं बनाया था DJI Mini 3 का, बट अनबॉक्सिंग शॉर्ट्स था, वो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बट मीनवाइल ये है DJI Mini 4 Pro का यू नो अनबॉक्सिंग। सो ये था हमारा यू नो DJI का कंप्लीट अनबॉक्सिंग DJI ड्रोन का एंड मैं यहाँ पे ऑलरेडी DJI द्वारा जो यू नो इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताया गया, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में वो मैं वीडियो में डाल दूंगा तो आप देख सकते हैं एंड आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। हेलो गाइस, सो ये था हमारा DJI Mini 4 Pro का अनबॉक्सिंग। सो ये बेसिकली हमें पड़ा, हमने ये बेस्ट बाय से ऑर्डर किया था एंड जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये बेस्ट बाय से ऑर्डर किया है एंड ये हमें पड़ा टोटल $810 यू नो 810.34 इंक्लूडिंग द टैक्सेस विच वाज लाइक 50.35। सो $810 का हमें ये पड़ा है, हमने बेस्ट बाय से ऑर्डर किया था, इसमें कोई ऑफर नहीं चल रहा है जैसा कि DJI में यू नो और एप्पल के प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर कोई ऑफर नहीं चलते इवन ब्लैक फ्राइडेज पे भी एंड सो इंडिया के यू नो करेंसी में अगर देखें तो ऑलमोस्ट 67,000 का हमें ये पड़ा। बट इट्स अ वर्थ ड्रोन, यू नो इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट इफ़ यू लाइक द फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी एंड आई एम श्योर जो उसके फोटोज़ जो वीडियोज़ आते हैं वो बहुत ही अच्छे आते हैं एंड अभी हमने चार्ज पे लगाया है क्योंकि नया प्रोडक्ट है तो पहले से फुल चार्ज करते हैं। आने वाले हमारे यू नो वीडियोज़ पे आपको इसके फुटेज दिखेंगे एंड मैं और भी DJI यू नो ड्रोन के कई सारे नाइट मोड और डे शॉट नाइट शॉट ऐसे मैं डालूंगा जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये सिर्फ अनबॉक्सिंग वीडियो था एंड इसका सेपरेट मैं यू नो डेमो बनाऊंगा DJI पॉकेट 4 का भी सॉरी DJI पॉकेट यू नो 3 का भी एंड DJI मिनी 4 प्रो ड्रोन का भी। सो ये था हमारा वीडियो, होप आई आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।